RDR60 FPS में स्पाइडरमैन 2 के बहुत सारे अपडेट, जॉम्बी लोगों का फुल टर्न आउट दिखा मॉडर्न वॉरफेयर 3 में, आईसो स्पीड ने फिर से कांड किए और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो अंत तक जुड़े रहे और हाँ लाइक बटन को प्लीज ठोक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं रेड डेड रिडेम्पशन यानी RDR से लेके। तो मैं आपको बता दूं इस बार बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। तो जैसे आप लोगों को पता ही हो कि कुछ टाइम पहले ये लोगों ने PS4 और PS5 का बैकवर्ड कंपेबिलिटी पोर्ट ये लोगों ने रिलीज किया था और उसके बाद फैंस लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि ये गेम ओनली 30 FPS में था और उसका प्राइस $50 था। इसको लेके काफ़ी हो हल्ला हुआ था ट्विटर पे भी। तो ये लोगों ने फाइनली एक नया रिलीज अपडेट किया है जिसका नाम है 1.03 और इसमें ये लोगों ने 60 FPS गेम को लॉन्च कर दिया है, यानी जो 30 FPS में सपोर्ट करता था अब वो गेम 60 FPS में होगा। ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। तो मैं आपको बता दूं ये एक ऑफिशियली पैच है जिसमें जनरल बग फिक्सेस किए गए हैं, स्टेबिलिटी फिक्सेस किए गए और बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया गया है और साथ में 60 FPS भी आया है। और जैसा आपको पता ही होगा कि ये गेम ऑलरेडी डिजिटल में रिलीज हो चुका है और 13 अक्टूबर को फिजिकल डिस्क में भी आएगा। तो नेक्स्ट न्यूज है स्पाइडरमैन 2 से लेके। तो जैसा आपको पता ही होगा कि ये गेम 20 अक्टूबर को ऑफिशियली PS5 में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं एक नया ट्रेलर आया है और इस ट्रेलर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दोनों स्पाइडरमैन वेनम के साथ झुम कर रहे हैं। भाई ये काफी अच्छा ट्रेलर है, ये मात्र 1 मिनट का है लेकिन काफी सारे मस्त फुटेज दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें ही एक नेक्स्ट न्यूज है कि एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम है ChrisGaming95, तो उन्होंने दावा किया है कि ये गेम उन्होंने पूरा 30 आवर में कम्प्लीट कर दिया है और उन्होंने प्लेटिनम का जो ट्रॉफी है उसे भी हासिल कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं ये पोस्ट उन्होंने अभी डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जाके उन पे कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं अभी आप जाके PSN प्रोफाइल में देखेंगे तो एक यूजर का नाम दिखेगा जिन्होंने स्पाइडरमैन 2 ऑफिशियली कंप्लीट कर लिया है। तो हो सके तो ये वही यूजर है, हो सकता है कि इन्हें ये गेम अर्ली दिया गया हो ताकि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके और बताए कि ये गेम कैसा था। तो मैं आपको बता दूं 20 अक्टूबर को स्पाइडरमैन 2 आ रहा है, साथ में वो लोगों का कंसोल भी आ रहा है स्पाइडरमैन वाला, तो उन लोगों ने ऑफिशियली रिवील कर दिया कि ये 20 अक्टूबर को आएगा। तो नेक्स्ट न्यूज है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 से लेके। तो जैसा आपको मैंने पहले ही बोला था कि इसमें इस बार 16 मैप को रिमास्टर किए जाएंगे, तो भाई अब तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं 2009 वाला जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 था ये मैप वहीं से उठाया गया है और इसके मैप के नाम होंगे हाई राइज, फेवेला, रस्ट और बहुत सारे। और यही नहीं, ये लोगों ने एक नया ट्रेलर लाया, उस ट्रेलर में भाई जॉम्बी खतरनाक दिख रहा है, जॉम्बी के साथ बहुत सारे व्हीकल भी दिख रहे हैं और ये जो जॉम्बी है भाई बहुत ही डेंजर दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं जॉम्बी लोगों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मॉडर्न वॉरफेयर के सीरीज में और ये लोगों का बहुत पहला इंट्रोडक्शन हुआ था ब्लैक ऑप्स और WW2 में। तो इस बार कोऑप मोड भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं कोऑप वाले लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि वो लोग जिंदे लोगों तो मारेंगे तो साथ में जो ऑलरेडी मरे हैं उनको भी वो लोग मारेंगे, यानी कि जॉम्बी लोगों को। तो नेक्स्ट न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली ये डील को क्लोज कर रहा है, यानी कि एक्टिविजन ब्लिजर्ड को वो लोग ऑफिशियली 13 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका प्राइस $68.7 बिलियन रखा गया है, यानी ये बहुत ही ज्यादा है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ना पैसा स्पेंड कर रहा है क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी यही लोगों का गेम है और ये गेम काफी सक्सेस है मार्केट में। तो नेक्स्ट न्यूज है आईसो स्पीड से लेके। तो मैं आपको बता दूं ये ऑलवेज कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं, तो इस बार इन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है कि जिसके तहत ये हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये एलिफेंट टूथपेस्ट स्ट्राइक कर रहे थे और ये बहुत ही रॉन्ग हो गया, मतलब इतने सारे फोम हो गए कि इन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा था, यानी सांस लेने में काफी तकलीफ हो रहा था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और डिश सोप के कुछ केमिकल्स थे जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा फोम हुआ। तो नेक्स्ट न्यूज है नॉटी डॉग की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं ये एक सैड न्यूज है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ किया गया है और जैसे ही ले ऑफ का न्यूज आया तब से लोग बोल रहे हैं कि द लास्ट ऑफ अस का मल्टीप्लेयर गेम जो आने वाला था हो सकता है कि अब ये काफी डिले हो जाए या कैंसिल भी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कोटाकू ने पहले ही बोला था कि 25 डेवलपर को फायर किया गया था, इसके बाद लिंक्डइन पोस्ट में भी कंफर्म हो चुका है कि ये गेम डिले हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि सोनी पे हैकर लोगों का अटैक हुआ था, तो मैं आपको बता दूं सोनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और वो लोगों ने बोला है कि डेटा ब्रीच हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 6000 इंडिविजुअल लोगों का डेटा चोरी हुआ है। और यही नहीं, सोनी ने अपने करंट इम्प्लॉय और पहले के कुछ इम्प्लॉय वो लोगों को भी लोगों ने बताया है कि भाई
ये चीज़ हुआ है, आप प्लीज संभल के रहे। तो मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि हैकर लोगों ने कितने सारे फाइल लिए थे और क्या क्या फाइल लिए थे, अगर आपने मिस किया तो प्लीज़ जाके पहले वाला गेम न्यूज़ को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है साइलेंट हिल एक्सटेंशन की तरफ से। तो मैं आपको बता दूँ, इसका रिलीज डेट कन्फर्म हो चुका है और ये गेम प्रीमियर होने वाला हैलोवीन के दिन यानी 31 अक्टूबर को, और ये गेम काफ़ी हॉरर हो सकता है, तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। तो ये गेम को कोनामी ने टाई अप किया है गेनविड इंटरटेनमेंट, बिहेवियर इंटरेक्टिव, बैड रोबोट और डीजे टू इंटरटेनमेंट के साथ मिलके। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा हिट हो। तो हम बात करते हैं कुछ गेम जो अभी जस्ट रिलीज हुए हैं और उसमें बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोर्टल कॉम्बैट 1 से लेके। तो मैं आपको बता दूँ, इस गेम का रिव्यू काफ़ी अच्छा जा रहा है और उसके बाद ये लोगों ने बहुत सारे बग को आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद ये लोगों ने एक ऑफिशियली पैच डाला है और ये अपडेट PS5, Xbox Series, PC सबके लिए आएगा। इसमें जनरल गेम प्ले एडजस्टमेंट, कैरेक्टर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट हुआ है, बहुत सारे इशू को फिक्स किया गया है और बहुत सारे कैरेक्टर थे जिनका स्पेशल मूव परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा था, उनको भी ये फिक्स किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है Assassin's Creed Mirage की तरफ से। तो उसमें भी एक नया अपडेट डाला गया है ब्रोकन ट्विस्ट के नाम से। ये ऑफिशियली रोल आउट हो चुका है और इस अपडेट का नाम है 1.0.2। तो मैं आपको बता दूं, PS5 में इस अपडेट का साइज 2.18 GB होगा और PS4 में 5.40 GB होगा। और इस अपडेट में गेम प्ले और UI को फिक्स किया गया है और कुछ इशू थे जो PS5 पे जाके डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे थे, ग्राफिक्स में भी कुछ फिक्स किए गए और एनिमेशन और परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है साइबरपंक 2077 से लेके। तो मैं आपको बता दूं, इसका भी एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है 2.01 और ये ऑफिशियली रोल आउट हो चुका है और इसमें सबसे बड़ा फिक्स किया गया था PS5 को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई यूजर गेम सेव करने जा रहा था तो उस टाइम ये PS5 में बहुत ज़्यादा करप्ट हो रहे थे और जिसे लेके ऑडियंस खुश नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने इस अपडेट को लाया और ये गेम काफ़ी मार्केट में अच्छा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक साइबरपंक 2077 25 मिलियन सोल्ड आउट कर चुका है अपना गेम। और इसके अलावा इन लोगों ने अपडेट में काफ़ी ज़्यादा फिक्सेस किए गए हैं जिसमें है मूविंग हीट, क्वेस्ट, ओपन वर्ल्ड और गेम प्ले। तो नेक्स्ट अपडेट है मार्बल से लेके। तो मैं आपको बता दूं, मार्बल वालों का बहुत सारा गेम पहले में फ्लॉप हुआ है जिसे लेके ये लोगों ने गेमिंग डिवीजन में बहुत ही ज्यादा अपडेट लाया है और बहुत सारे डेवलपर लोगों को हायर किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इंसोमैनी गेम का जो स्पाइडरमैन सीरीज है, अभी तक का ये गेम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा जितने सारे गेम है जैसे मार्वल मिडनाइट सन फ्लॉप ही हो गया, मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन वो भी शट डाउन ही हो गया, बहुत सारे गेम इसके फ्लॉप हुए हैं। तो इसे लेके ये लोग अब कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें गेम को अपग्रेड करना, यानी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ये ना कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाए, सेम लाइक वेब सीरीज और मूवीज की तरह। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है खबरें फटाफट। फॉरेस्ट कैथेड्रल का PS5 रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है और ये गेम 31 अक्टूबर 2023 को आ रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है सोनी की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं, सोनी पिक्चर कोर ऐप रिवील हो चुका है और ये ऐप PS4 और PS5 में रहेगा और इसमें आपको अभी अप्रोक्सीमेटली 100 मूवीज दिए गए हैं, यानी जिनके पास सब्सक्रिप्शन है अभी जाके वो एंजॉय कर सकते हैं। तो सेगा वालों ने ऑफिशियली मल्टीप्लेयर शूटर हाइनेस गेम को कैंसल कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये गेम सितंबर अक्टूबर में बीटा टेस्टिंग के लिए जाने वाला था और ये एक हॉरर टाइटल गेम था। तो नेक्स्ट न्यूज सैड न्यूज है और ये ब्लिज़र्ड की तरफ से आया। तो मैं आपको बता दूं, वो लोग शटडाउन कर रहे हैं ओवरवॉच लीग और उसका आखिरी सीजन होगा 2023 में। तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।